नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन चैनल 36 में फिर से स्वागत है। आज आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आज बिल्कुल सरल और आसान नुस्खा मैं लेके आया हूं जो आप अपने घर पे कर लेंगे। मैं बताने जा रहा हूं कि आज ठंड का मौसम अब आने वाला है। ठंड के मौसम में क्या होता है ना कि हमारे पैरों में दरारें पड़ने लगते हैं। पैरों में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मतलब पुराने लोग होते हैं जो कीचड़ वगैरह में ज़्यादा काम करते हैं, जो खेत खलिहान में, उनके पैर में दरार भी आ जाती है। और दरारों में ऐसा होता है कि उनमें से हल्के हल्के ब्लड भी आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं बिल्कुल इतना सरल और आसान नुस्खा बता दूँगा जो आप अपने घर में बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। इसको करने से आपको एक ही रात में जो पैर में जो दरारे है या फटी एड़िया का उपाय है, ये आप एक ही दिन में इसको ठीक कर सकते हैं। आप करके देखेंगे तो रात में ही करना है, जब भी करना है तो इसको रात में करना है, करने के बाद इसको छोड़ देना है। आज मैं बता दे रहा हूँ, देखिए। तो चलते हैं अपने किचन में और देखते, घर का ही सामान है तो सबसे पहले क्या करना है, एक शीशे का गिलास लेना है या आप कटोरी भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं बर्तन। इसमें उपाय मैं ऐसा बता दूंगा कि इसको करने से आपके जो फटी एड़ियों में जो दर्द है, दरारे हैं, वो एक ही रात में भर जाएंगे। आप करके देखने के बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी नुस्खा है। और बिल्कुल कोई इसमें खर्च नहीं है, बिल्कुल आपके घर का सामान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दूध से जमा हुआ थोड़ा सा दही लेंगे, क्योंकि दही जो होता है वो त्वचा को मुलायम करती है। और दही ले लेंगे थोड़ा सा, अपने अनुसार जितना आपको ज़रूरत है, जितना आप लगा सकते हैं उतना आप दही ले लेंगे। दही को ये देख लिए मैंने, दही को ले लिया है। दही को लेने के बाद अब इसमें दूसरा जो चीज़ हम मिलाने जा रहे हैं वो बिल्कुल आसान है, तो आपके घर का ही है, जो फटी एड़ियों को तुरंत राहत पहुंचाए और दर्द में तुरंत काम करे। तो ये देख रहे हैं आपकी पीसी हुई टर्मरिक, इसको हम लोग हल्दी भी बोल देते हैं। तो हल्दी आपको थोड़ा सा ले लेना है, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होता है और इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। अब हल्दी को हम लोग क्या करना है, इसको इस दही में मिक्स कर देना है, थोड़ा सा दही का पानी ले लेना है, अब इसको क्या करना है, इसको फेंट लेना है। इसको जितना आप फेंटेंगे उतना ही ज़्यादा ये अच्छा होगा, क्योंकि ये रेसे रेसे में मिल जाना चाहिए। जितना फेंटेंगे, जैसे ऑमलेट फेंटाता है ना, उस तरह आपको फेंटना है। पूरा अच्छी तरह से फेंट लेंगे, जितना ये फेंटने में कम से कम 2 से 3 या 4 मिनट, ये समझ लीजिए कि जितना आप इसको फेंटेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा होगा। इसको ऐसे ऐसे फेंट लेना है, कम से कम 2 से 3 या 4 मिनट फेंट लेना है। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं तरीका में बता देता हूँ। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, जब भी आप बिस्तर पे जाएं तो थोड़ा सा गर्म पानी ले लेंगे, किसी टब में ले लेंगे, टब में रखने के बाद आपको क्या करना है, उसमें हल्का सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से ये होता है, नमक डालने के बाद थोड़ा सा उसमें आटा डाल देंगे। आटा जो गेहूं का आटा होता है ना, जो हम लोग रोटी बनाते हैं, उसको थोड़ा सा डाल देंगे और उसको मिक्स कर देंगे। गर्म पानी में थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर देंगे। उसमें अपने पैरों को डुबा देंगे। पैर जब अच्छी तरह से पूरे 2 से 3 मिनट उसमें रहने देना है। और अच्छी तरह से इसको मालिश कर करके
आपको साफ कर देना है जहाँ आपकी दरारें हैं, जिसमें एड़ियों में, जैसे मान लें यहाँ पे एड़ियों में दरारें हैं, तो इसको अच्छी तरह से आपका पैर उसी समय बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के बाद आप क्या कर ले, अच्छे से सूती कपड़े से आपको उसको अच्छे से पोंछ ले और बिस्तर पे आ जाए। बिस्तर पे आ जाए, कोई भी प्लास्टिक का सामान ले ले। अब मैं लगाने की विधि मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। इसको आप मिला लिए बिल्कुल अच्छी तरह से, ये मिल गया, दो से तीन मिनट छोड़ देंगे। दो से तीन मिनट छोड़ने के बाद आप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। जितना मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा ये फ़ायदा करेगा। दही आपका घर का होना चाहिए, बाज़ार का भी हो तो घर का होगा तो ज़्यादा शुद्ध होगा। अब ये पूरी तरह से मिक्स हो गया है। मिक्स होने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा गढ़ा होना चाहिए इस तरह से, ताकि लेप हमारे जो अंदर, इसको गेसे गेसे में ऐसे लगा लेना है। थोड़ा सा गढ़ा आप मिल लाएंगे और अच्छी तरह से दरारों को ऐसे से भर देंगे। थोड़ा सा आपको और पूरा बारीक मिला लेना है, थोड़ा सा अभी रह गया है, पूरा बारीक एकदम बिल्कुल पूरी तरह से ये मिक्स हो जाए तब आपको इसको फेंट लेना है। फेंटने के बाद आपको ऐसे लगा देना है, पूरा भर देना है। भरने के बाद आपको क्या करना है, एक भरने के बाद आपको एक पॉलिथीन ले लेना है, पॉलिथीन किसी भी तरह का, उसमें इसको पैक कर देना है ताकि, और इसको अच्छी तरह से बांध लेना है। बांधने से ये होगा ना कि ये जो आपके दरारों में जो लगा हुआ है आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा, ये जो मैंने बताया, ये आपके बिस्तर पे ना लग जाए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसको रात भर ऐसे पैक करके आप सो जाएंगे, आपको कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं है। सुबह देखेंगे आप बिस्तर से जब नींद खुलेगी तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताते हैं। लेकिन जाते जाते एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहले जाए। और हमारे और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो आप, जैसे नाखून में दर्द, अंगूठे के नाखून में दर्द है, तो इन सब से जांघों के बीच काँच लग जाना, तो मैंने इन सब पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। और अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो आप हमारे वीडियो में जाके कमेंट करके पूछेंगे, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।